नमस्कार, जनतंत्र में टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। आज हम बात करेंगे उत्तरकाशी टनल की। 8 मीटर की खुदाई बाकी है और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आज शाम तक 41 के 41 मजदूर जो फंसे हुए हैं उस टनल में, वो सुरक्षित बाहर आ जाएंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे अधिकारियों ने मजदूरों के परिजनों से ये बात कही है कि आप मजदूरों के कपड़े यहाँ पर लेकर आ जाइए। इससे ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि आज शाम तक काम पूरा हो जाएगा और 41 मजदूर जो है वो सुरक्षित बाहर आ जाएंगे। अब आपको बता दें, 12 नवंबर से ये मजदूर फंसे हुए हैं टनल में। यह हादसा हुआ था मलबा गिरने से। 41 के 41 मजदूर जो अलग अलग राज्यों से आए हुए थे, वहां पर काम कर रहे थे, वो उस टनल में फंस गए। 16 दिन बीत चुके हैं, तमाम चीजें वहां पर पहुंचाई जा रही हैं, खाना पीना ऑक्सीजन, साथ ही साथ उनकी डाइट का भी खासा ख्याल रखा जा रहा है। कुछ मजदूरों की हालत भी खराब हुई, जिसके तहत रेस्क्यू ऑपरेशन टीम ने उन्हें मेडिसिन भी दी और इसके अलावा सब टकटकी लगाए हुए इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिर 41 मजदूर जो हैं वो बाहर कब आएंगे। और आज अधिकारियों के इस बयान से ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज ही वो बड़ी खुशखबरी होने वाली है। 16 दिन बीत चुके हैं, आज 17वां दिन है। जैसे तैसे मजदूरों ने जिंदगी और मौत की ये जंग 16 दिन लड़ी। आप सोच सकते हैं कितना मुश्किल हो सकता है कि एक टनल में कार्य करने के दौरान ये बड़ा हादसा हो जाता है 12 नवंबर को, और इस बीच 41 मजदूर उस टनल में फंस जाते हैं। ना उनके पास खाने को खाना होता है, ना पीने के लिए पानी, और ना ही तमाम जो रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरतों का सामान होता है, ये जो हमारी जरूरत की चीजें होती हैं, कुछ भी उन तक नहीं पहुंच पा रहा था। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, तमाम टीमें वहां पर पहुंची, मेडिकल टीमें भी वहां पर पहुंची। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि विदेशों से भी मशीनें वहां पर पहुंची, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री वहां पर पहुंचे। नितिन गडकरी की बात कर ली जाए या पीएम के तमाम वो अधिकारी जो वहां पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, और ये उम्मीद लगाई गई, सभी ने यह प्रार्थना की कि जल्द से जल्द 41 मजदूर जो है वो सुरक्षित बाहर आ जाए। और आज अधिकारियों के बयान से यही उम्मीद लग रही है कि शायद आज ही वो दिन होगा जब 41 मजदूर जो हैं बाहर आएंगे और इन सूरज की किरणों को एक बार फिर से देखेंगे, क्योंकि बेहद खतरनाक और हर एक एक मिनट जो था वो जिंदगी और मौत की जंग के बीच झूल रहा था। लेकिन आज वो खुशखबरी आएगी जब 41 मजदूर बाहर आ जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से अधिकारियों ने कहा है, इसके अलावा कई मुसीबतें जो हैं वो भी झेलनी पड़ी प्रशासन को इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान। कई मौसम जो है वो खराब हुआ, इसके अलावा कई ऐसी मशीनें थी जिनका ब्लेड टनल में खुदाई करते टाइम फंस गया। ऐसे में मजदूरों की जान को भी खतरा था, कई बार मलबा भी खिसक गया खुदाई के दौरान। ऐसे में तमाम एक्सपर्ट्स की टीम वहां पर पहुंची, विदेशों से भी एक्सपर्ट्स वहां पर पहुंचे, और साथ ही साथ अब 2 जगहों से ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ। इसके अलावा आपको बता दें कि रेड्स ऑपरेशन, जो कि तमाम एक्सपर्ट्स हैं, वो खुद मैन्युअली जाकर वहां पर खुदाई कर रहे हैं, और उसी से एक बड़ी कामयाबी और एक उम्मीद की किरण जो है वो जागती हुई नजर आई है। 8 मीटर की खुदाई बाकी रह गई है। हम सभी यह प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द 41 मजदूर जो है बाहर आ जाए, और जनतंत्र टीवी आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग भी 41 मजदूरों के लिए जरूर प्रार्थना कीजिए कि जल्द से जल्द वो सुरक्षित बाहर निकल सके। नमस्कार।